नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का संपूर्ण हल शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 2 बहुपद से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं बहुपद। देखिए, प्रश्नावली 2.1 से शुरू कर रहे हैं। इनमें ये बहुत छोटा ही प्रश्नावली है, इसमें केवल 6 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक ना। इन 6 ग्राफ को देखकर इनके प्रत्येक का सुनेकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सुनेकों की संख्या ग्राफ देखकर कैसे ज्ञात की जाती है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये पहला ग्राफ है, इसके अंतर्गत ये रहा यक्ष अक्ष और ये है वाई अक्ष। ये अब इसमें ये रेखा है, ठीक ना। तो अगर इसमें सुनेक की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम इस रेखा को देखेंगे कि ये यक्ष अक्ष को कितनी बार काटता है या प्रतिच्छेद करती है। अगर इसकी बात करें तो ये रेखा इस यक्ष अक्ष को एक बार भी नहीं प्रतिच्छेद किया है। ये वाई अक्ष को देखिए, इस वाई अक्ष को ये प्रतिच्छेद किया है, यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं किया है। अतः यहाँ सुनेकों की संख्या शून्य हो जाएगी। तो इसमें शून्य कितने हो गए, शून्यकों की संख्या शून्य, ठीक ना। इसी प्रकार नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं तो इसमें भी वही देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो यक्ष अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसको देखिए, देखिए ये वाई को काट रहा है, तो वाई से मतलब नहीं है, हमको वाई यक्ष अक्ष को देखना है। तो ये रेखा यहाँ से गई, ये यहाँ यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद किया एक बार, तो यहाँ लिखेंगे सुनेकों की संख्या एक, ठीक ना, यहाँ एक हो गया। इसी प्रकार थर्ड ग्राफ को देखते हैं, इसमें ये ग्राफ है, ठीक ना, ये ग्राफ है। तो ये वाली ग्राफ यहाँ यक्ष अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया। अब देखिए, वाई को काटा, तो वाई को काटने से कोई मतलब नहीं अपने को, हमको बस यक्ष अक्ष को देखना है। तो यहाँ एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ सुनेकों की संख्या तीन हो गई, क्योंकि तीन बार प्रतिच्छेद किया। सुनेकों की संख्या 1, 2, 3, तो तीन हो गया। इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, तो अब इसमें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें ग्राफ ये देखना है कि ग्राफ यक्ष अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ये ग्राफ एक बार यक्ष को प्रतिच्छेद किया, फिर यक्ष को किया, यहाँ एक और एक दो बार प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ लिखेंगे सुनेकों की संख्या 2, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, देखिए ये ग्राफ यक्ष को प्रतिच्छेद किया, फिर यक्ष को काटा, फिर ये वाई को, तो वाई को गिनते नहीं गिनेंगे, फिर ये यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो कुल 1, 2, 3, 4, तो सुनेकों की संख्या यहाँ 4 हो जाएगी। सुनेकों की संख्या 4, ठीक ना। ये अंतिम ग्राफ है, इसमें ग्राफ देखते हैं। देखिए, ये एक बार प्रतिच्छेद किया, एक बार गिनती हुई, फिर ये यहाँ टच किया है, तो टच किया है तो इसको भी एक बार गिनेंगे, तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ठीक ना। ये वाई अक्ष को काटा तो उसको नहीं गिनेंगे, 1, 2, 3, तो सुनेकों की संख्या यहाँ पर 3 प्राप्त हो गई। सुनेकों की संख्या 3 प्राप्त हो गई, ठीक ना। तो ये प्रश्नावली 2.1 में केवल 6 ये ग्राफ थे, इसमें केवल सुनेकों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो ये क्लास 10 में एक नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न में इस तरह के ग्राफ से सुनेकों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला,
इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। तो पहले शून्य ज्ञात करेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक ना। इस प्रकार कुल छः प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसमें पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये गुणनखंड विधि से इसको हल करना है, ठीक ना। इसके देखिए ये वाला ये बहुपद है, इस बहुपद का सबसे इस यक्ष चर का, इसमें यक्ष चर का बहुपद है, ठीक ना। इसको यक्ष चर का बहुपद बोलते हैं, बहुपद है ये, ठीक ना। और यक्ष की अधिकतम घात, देखिए यहाँ अधिकतम घात दो है, यहाँ एक है और यहाँ कुछ नहीं, शून्य है यहाँ पर। तो अधिकतम घात दो है, अतः इस बहुपद का अगर शून्य ज्ञात करेंगे तो दो शून्य ज्ञात होंगे, ठीक। और इस शून्य को गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है, इस वाले इस आठ को, इस आठ का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जो गुणनखंड करने के बाद आए उसको जोड़ें या उसको हल करें तो माइनस टू आना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं, इस चार आठ को करेंगे चार गुणे दो, तो चार दूनी आठ। अब इसको चार में से अगर दो घटाएं तो ये दो आएगा, ठीक। चार में से दो आया, दो घटाएंगे तो दो आएगा, दो तो आया मगर हमको माइनस में चाहिए, तो इसको ऐसा अरेंजमेंट करें कि यहाँ पे माइनस टू आ जाए। तो देखिए इसको कर सकते हैं, दो में से चार घटाएं, अगर छोटे से बड़ा संख्या घटाएं तो माइनस टू आ जाएगा, ठीक ना। तो या तो इसको ऐसे कर सकते हैं या इसको माइनस फोर प्लस टू बराबर माइनस टू आ जाएगा, ठीक ना। तो ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो चाहे हम इसको ले कर चलें चाहे इसको ले कर चलें, ठीक ना। तो इसी को ले कर चलते हैं, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इस माइनस टू एक्स के स्थान पर अब लिखेंगे टू एक्स माइनस फोर एक्स, टू एक्स माइनस फोर एक्स, ठीक ना। दो में से चार गया, मतलब छोटे से बड़ा घटेगा, तो घटेगा चार में से ही दो मगर माइनस चिन्ह के संग लगेगा यहाँ पर। अब इसको भी ऐसे करते हैं, अगर फो एक माइनस एक प्लस कहीं लिखा हो तो घटता है चार में से दो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग गया, इसलिए चार में से दो गया दो, और बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक ना। तो ये नियम चाहे ये नियम लगा लेते हैं, तो ये लगा दो में से चार गया माइनस टू, ठीक ना। तो इसको हल करने पर ये प्राप्त होना चाहिए। अब ये माइनस एट है, इस माइनस एट को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना। तो ये वाला ऐसा ही और ये ऐसे ही, बस ये वाला मध्य पद को ही तोड़ा गया है, ठीक ना। इसको तोड़ के लिखा, तो अब अपने पास चार पद आ गए, एक दो तीन चार पद आ गए। इस शुरू के दो पद और अंतिम के दो पद में उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो उभयनिष्ठ इसमें, इसमें उभयनिष्ठ देखिए क्या होता है, तो उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों पदों में हो। तो मैं एक बार पहले इसको बिल्कुल गुणनखंड में लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये यक्ष का स्क्वायर है, इसका मतलब यक्ष को दो बार लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं यक्ष गुणे एक्स प्लस ये है टू यक्ष, तो इसको लिखेंगे दो गुणे एक्स, इतना लिख सकते हैं। इसको थोड़ा हटा दें, ठीक ना। इसको लिखा एक्स गुणे एक्स, इसको लिखा दो गुणे एक्स, इसको लिख सकते हैं ये चार और आठ है, तो चार गुणे एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पर चार गुणे दो लिख सकते हैं, ठीक ना। इस वाले लाइन को एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं इसका उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो अब देखिए इसी दो पद को ऐसे लिख लिया है, ठीक ना। अब इसमें दो पदों में देखिए क्या उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ है दोनों में, यक्ष यक्ष कॉमन है। तो यक्ष को एक बार लिख लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद देखेंगे कि इस पद में बचा क्या, तो इस पद में यक्ष तो निकल गया, ये यक्ष बच गया,
प्लस इस यक्ष, ये यक्ष यहाँ कॉमन आ गया, ठीक ना। इन दोनों के बदले ही एक बार यक्ष लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पर टू बचा तो ये टू ले लिया। अब इसमें देखेंगे क्या उभयनिष्ठ है, तो इन दोनों में माइनस फोर उभयनिष्ठ है, ठीक ना। तो माइनस फोर ले लिया, अब लिखते हैं बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा, यक्स बचा, ठीक ना। अब चूंकि माइनस भी बाहर ले लिया है तो ये प्लस हो गया, ठीक ना। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह अंदर का बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब फोर चूंकि उभयनिष्ठ ले लिए हैं तो केवल दो बचा, तो दो यहाँ लिख लिया, ठीक। अब देखिए इस दोनों, इसमें इस कोष्टक में और इस कोष्टक में सेम चीज आ गया, यक्स प्लस टू, यक्स प्लस टू। इसका मतलब अभी तक जो किया है सही किया है, तो इन दोनों के स्थान पर एक बार यक्स प्लस टू लिख लेते हैं, तो ये यक्स प्लस टू हो गया। और जो इधर इधर बचा ये यक्स माइनस फोर, उसको अगले कोष्टक में लिख लेते हैं। इस प्रकार इस बहुपद का ये गुणनखंड हुआ, ठीक ना। अब इसका शून्यक निकालते हैं, तो शून्यक निकालने के लिए इन गुणनखंडों का जीरो से तुलना किया जाता है। देखिए यदि यक्स प्लस टू बराबर जीरो, इसको जीरो, या यक्स माइनस फोर बराबर जीरो, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर माइनस टू, या इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस फोर का प्लस फोर हो जाएगा, तो ये प्लस फोर हो गया। देखिए दो शून्यक ज्ञात हो गए, तो लिखेंगे अतः शून्यक बराबर माइनस दो और चार आ गए, ठीक ना। तो ये गुणनखंड हो गया, जिसको ये वाला जो लाइन है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, बस ये चीज हो गया। अब ये तो पहला भाग हो गया कि शून्यक ज्ञात करना है, अब इनमें संबंध स्थापित करना है। तो ये दो शून्यक आया, तो हम इसके आगे लिखते हैं, यहां लिख देते हैं शून्यकों का योगफल, संबंध स्थापित हो रहा है अब, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, तो जो अपने हमें शून्यक प्राप्त हुआ है उसका योगफल लिख लेते हैं, माइनस टू प्लस फोर बराबर, इसका इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो गया चार में से दो गया दो, और यहाँ पे एक जगह छोड़कर यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस पर हम मान रखेंगे और इसके बराबर आना चाहिए, ठीक, तो देखते हैं। देखिए ये माइनस है तो माइनस लगा लिया, ठीक ना, इसको मैं लाल से लिख लेता हूँ, नेक्स्ट कलर से लिख देता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ ये माइनस है तो माइनस लगाया, यक्स का गुणांक देखिए इसमें क्या है, इसमें यक्स का गुणांक क्या है, यक्स ये रहा, इसका गुणांक माइनस टू है, तो ये माइनस टू लिखा, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है, ये रहा, यक्स स्क्वायर के आगे का चीज़ उसका गुणांक कहलाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ वन होता है, तो ये वन लिख लिया। अगर हम इसको हल करें तो ये दो माइनस है तो कैंसिल जाएगा तो टू बचेगा, और बटे वन जरूरत नहीं होता लिखने का, तो इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, मतलब हमारे जो शून्यक प्राप्त हुए उसका योगफल टू आया, और जो फॉर्मूला था उस पर रखने पर भी टू आया, मतलब ये सत्यता सत्य है ये। अब शून्यक का गुणनफल ज्ञात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल जो भी शून्यक प्राप्त हुआ है उसका गुणा कर लेते हैं, माइनस दो गुणे चार बराबर माइनस आठ, फिर यहाँ एक जगह छोड़ दें, फिर यहाँ जो सूत्र होता है वो लिखते हैं,
तो ये सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। तो अचर पद देखते हैं इस बहुपद में कौन सा अचर पद है, तो अचर पद ये माइनस एट है, ठीक ना। तो हम माइनस एट लिख लेते हैं, ये माइनस एट लिखा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, वन है। तो देखिए फॉर्मूले पर रखने पर भी माइनस एट आ रहा है, और जो शून्य हमारे आए उसका भी गुणा करने पर माइनस एट आया, मतलब ये संबंध स्थापित, ये सत्यता हो गया, ठीक ना। ये जो दूसरा भाग लिखा था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो ये इस प्रकार के जांच हो गया, ठीक ना। हाँ, ये पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करते हैं देखते हैं। अब इसमें भी पहले एक का गुणा चार में करेंगे, तो एक चौके चार, तो ये चार प्राप्त हुआ, इस चार का गुणनखंड करेंगे, ठीक ना, और उसको जोड़ने या घटाने पर माइनस फोर आना चाहिए। तो चार का गुणनखंड दो गुणे दो हो सकता है, ये होने को तो एक गुणे चार भी हो सकता है, मगर ये इससे काम नहीं बनेगा, ठीक ना। अगर चार में एक घटाएंगे तो तीन आएगा, तो अपने को तीन नहीं चाहिए। अगर दोनों को जोड़ेंगे तब पाँच आएगा, तो अपने को पाँच भी नहीं चाहिए। इसलिए हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि इनको जोड़ने या घटाने पर कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट करें कि माइनस फोर आए। तो अगर मैं दो और दो को जोड़ूंगा तो ये चार आ जाएगा, ठीक ना। तो टू प्लस टू बराबर चार आ गया, मगर हमको माइनस फोर चाहिए, तो क्या कर सकते हैं इसको, माइनस टू बराबर माइनस चार। देखिए माइनस 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 और अंक जुड़ जाता है, ठीक ना। तो ये रहा, तो माइनस 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 अंक जुड़ गया, तो दो दो चार, तो माइनस फोर आ गया। तो मतलब इसके स्थान पर हमको ये लिखना है, तो लिखते हैं, लिखेंगे फोर यस स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे माइनस टू यस, फिर माइनस टू यस, और ये प्लस वन यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। शुरू के और अंत के दोनों ऐसे ही लिखे जाते हैं, बस इस मध्य पद को ही तोड़ा जाता है, ठीक ना। अब अपने पास चार पद प्राप्त हो गए, चार पद ये रहे, शुरू के दो पद और अंतिम के दो पद। तो शुरू के दो पद से उभयनिष्ठ जो कुछ है उसको लेंगे, और अंतिम के दो पद से उभयनिष्ठ है उसको लेंगे। तो उभयनिष्ठ देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, तो इसको भी मैं बिल्कुल विस्तार से लिख के दिखाता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ दो गुणे दो, दो दूनी चार, और यस की घात दो है, मतलब दो बार लिख सकते हैं इसको, यस गुणे यस। तो इसका ये ब्रेक कर लिया, आप इसको लिख सकते हैं माइनस टू गुणे एस, ठीक, और इसको लिख सकते हैं माइनस टू गुणे यस, और इसको प्लस वन, ठीक ना। इसका जरूरत नहीं है, अब हटाई देते हैं इसको। ठीक, अब ये चार, ये शुरू के दो पद से देखते हैं क्या क्या दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ टू है, ये टू है, टू ले लिया, और ये यस है, ये ले लीजिए, ये और ये, तो ये यस भी दोनों में है, इसलिए इन दोनों के बदले एक बार हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो इसमें देखिए ये टू यस बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा टू और एस, तो यहाँ टू एस लिख लिया। अब देखिए इन दोनों में ही चला गया बाहर, टू यस ही बाहर चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ वन हो गया, ठीक ना। हर किसी का एक गुणनखंड होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इनमें से, अब इनमें से देखिए कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, टू है यहाँ वन है, यस है यहाँ यस नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हमेशा वन एक उभयनिष्ठ लेते हैं, ठीक। और ये माइनस है तो माइनस उभयनिष्ठ ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा, यही टू यस ही बचा, टू एस। अब चूंकि देखिए पहले क्वेश्चन में बताया था अगर यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह बदल जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो कोई चिन्ह नहीं बदलता, ठीक ना। ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लिया तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया और ये वन हो गया, ठीक। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम चीज आया है,
तो इसको एक बार लिख लेते हैं, टू एस माइनस वन, और अगले कोष्टक में ये जो बच गया किनारे इसको लिख लेते हैं, तो टू एस माइनस वन। तो इस बहुपद का ये गुणनखंड हो गया। अब शून्य ज्ञात करना हो तो इनका जीरो से तुलना करेंगे, तो ये बराबर जीरो और ये बराबर जीरो करेंगे, तो लिखेंगे यदि 2s माइनस वन बराबर जीरो या 2s माइनस वन बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2s बराबर माइनस वन है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, और यस बराबर ये गुणे में है तो पक्षांतर होगा तो भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी देखिए सेम चीज़ ही है, आंसर सेम ही आएगा, तो 2s बराबर ये पक्षांतर होगा तो माइनस वन का प्लस वन, और यस बराबर गुणे में है ये दो तो पक्षांतर होगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमने शून्य ज्ञात कर लिया, तो इसको लिख लेते हैं, अतः शून्य बराबर एक बटे दो और एक बटे दो, तो शून्य हो गया। अब इनके शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं हम लोग, तो लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल या योग, तो योगफल करेंगे तो जो शून्य हमें प्राप्त हुआ है उसको जोड़ लेते हैं, तो इसका आ जाएगा एक बटे दो प्लस एक बटे दो बराबर आधा आधा एक ही आ जाएगा, ठीक ना। या इसको ऐसे हल करते हैं, देखिए हर एक है एक जैसा ही है, मतलब दो दो ही है दोनों तरफ, तो दो का एक लिख लिया दो, और ऊपर वाला इसको ऐसे जोड़ देते हैं बस, एक एक दो बटे दो कटा, तो ये एक, तो बराबर एक आ गया, तो ये एक हो गया, ठीक ना। अब इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर जय छोड़कर यहाँ लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे यश के चर में बहु ये यक्ष यश चर का बहुपद है, तो हम यहाँ पर यश लिखेंगे, यश का गुणांक बटे यश स्क्वायर का गुणांक, तो ये माइनस यहाँ लिख लेते हैं, ये माइनस, तो माइनस यस का गुणांक, यस का गुणांक माइनस फोर, ठीक ना, यस के आगे जो भी ये रहता है ये गुणांक कहलाता है, तो ये माइनस फोर लिख लिया, बटे यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर गुणांक फोर, फोर आ गया, ठीक ना। तो अगर ये दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चार एकम चार एकम, तो ये कटेंगे तो ये एक आ जाएगा, ठीक ना। तो जो अब हमको शून्य प्राप्त हुआ उसका मैंने योग किया तो वन आया, और जो सूत्र से रखने पर भी वन आया, तो इनका संबंध की सत्यता की जांच हो गई, तो चार एक कम तो एक एक आ जाएगा। अब इसी प्रकार गुणनफल का भी देख लेते हैं, तो लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणा कर लेते हैं इनका, एक बटे दो गुणे एक बटे दो बराबर एक बटे चार, एक एक कम एक, दो दुनी चार। अब यहाँ पर जो है छोड़ के यहाँ लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद क्या है इसमें, वन है, तो वन लिखते हैं वन, और यस स्क्वायर क्या है, यस स्क्वायर गुणांक क्या है, चार, तो यहाँ चार, तो देखिए गुणा करने पर भी 101 बटे चार, और फॉर्मूला पर भी मान रखने पर 1 बटे चार हो गया, ठीक ना। तो ये आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये क्वेश्चन है। तो ये तो पहले क्रम से लिखते हैं, ठीक ना, बहुपद का किसी भी बहुपद को लिखने का नियम होता है, या तो उसको बढ़ते घात में लिखें या तो उसको एक घटते घात में लिखा जाता है, तो हम यहाँ से घटते घात में लिखेंगे, देखिए घात दो, ये घात एक है,
और ये अचर पद है, इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, तब ये मानक रूप में आएगा। तो लिखेंगे 6x² और ये -7x और ये -3, अब हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 6 18, इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए। तो इसको क्या कर लेंगे, 9 2 18, तो 9 में अगर 2 घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा अपने को, ठीक ना। तो 9 में 2 घटाया तो 7 प्राप्त हो गया, मगर हमको -7 में चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, 2 माइनस 9 तो -7 हो जाएगा, ठीक ना। छोटे से बड़ा घटता है हमेशा, तो माइनस चिन्ह के संग घटता है, ठीक ना। 9 में से ही 2 जाएगा, 7 आएगा, मगर छोटे से बड़ा घटा तो माइनस में आ गया, ठीक ना। या तो इसको ऐसे करिए या तो -9 + 2 करिए, ठीक ना। अब इसको भी हल करेंगे तो इसका देख क्या नियम होता है, अगर कहीं भी एक माइनस और एक प्लस लिखा हो तो घटता हमेशा 9 में से 2 तो 7, और बड़ी संख्या में किस चीज़ का चिन्ह लगा है उसको लगाया जाता है, तो -7 आ गया, ठीक ना। देखिए अगर इसमें कहीं भी जोड़ घटाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो एक बेसिक क्लास की एक वीडियो है बेसिक मैथ्स के नाम से, ठीक ना, इसमें स्पेशल कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक ना। स्पेशल कैलकुलेशन में यही जोड़ घटाना गुणा भाग ही बताया गया है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इस तरह की समस्या दूर हो जाएगी, ठीक ना। और अगर ये नहीं आया तो गुणनखंड करने में आपको बहुत परेशानी होगी, आगे के प्रश्नों में भी आपको ये जोड़ घटाने या प्लस माइनस का चिन्ह लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए अगर नहीं आता तो आप ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, तो इसमें आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक ना। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मतलब यही परेशानी होती है कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, कॉमन में कॉमा क्या लेंगे, तो यही परेशानी होती है, ठीक ना। तो आप इसको यहाँ भी मैं देखिए अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए, आपको समस्या आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक ना। तो ये किया हम इसका, तो इसको लिख लेते हैं या तो इसको लिख लेते हैं। देखिए मैं जितनी भी तरीके का है वो मैं लिख दे रहा हूँ, तो क्या ये वाला भी या तो या कहीं आप क्वेश्चन में देखिए हल करने में देखिए तो शायद इन्होंने ये लगाया होगा तो आपको डाउट हो जाए कि ये क्यों लगाया गया है, इसलिए मैंने दोनों तरीका का बता दिया है। चाहे आप इसको लगा के करिए तब भी आंसर आएगा, चाहे इसको लिखिए तब भी आंसर आएगा, ठीक ना। तो हम अच्छा चलिए इसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये लिखा 6x², ठीक ना। अब -9 + 2 तो लिखते हैं -9x और +2x -3। अब देखिए आपको 4 पद आ गए, तो इसके शुरू के 2 पद और अंतिम के 2 पद में अपना उभयनिष्ठ लेंगे। तो अब इसका उभयनिष्ठ कितना कितना है देखिए, अब ये इसको एक ऐसा क्वेश्चन, इसको मैं फिर से थोड़ा ब्रेक करके लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका अगर इस 6x² को अगर ब्रेक करना हो, तोड़कर छोटे छोटे रूपों में लिखना हो, तो इसको ले सकते हैं 2 × 3 × x³ 2 बार है तो x × x लिख सकते हैं माइनस। देखिए जिसको ये उभयनिष्ठ लेने आता हो ये ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, ये सबके लिए हो जाएगा, सबके काम आएगा, इसलिए मैं ये इस तरह का करके लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक ना। ये एक एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो इसको करेंगे तो क्या लिख सकेंगे, 3 × 3 × x, ठीक ना। और इसका भी लिख लेते हैं, +2 × x - 3। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ लेते हैं इन दोनों में, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं लेंगे, 3 है तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, ये x है ये x है तो x ले लिया। अब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो जो बच गया उसको लिखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ x बच गया तो 2x माइनस, यहाँ पर केवल 3 बचा, 3 लिख देते हैं प्लस। इस माइनस के इधर और इस माइनस के इधर कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है,
तो क्या करेंगे, जब कुछ भी उभयनिष्ठ न हो तो हमेशा वन ले लेते हैं यहाँ पर। अब चूंकि ये 2x ही लिखाएगा यहाँ पर, अब देखिए ब्रैकेट के पहले अगर प्लस लिया हुआ है तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक ना। शुरू के दो क्वेश्चन में चिन्ह बदला गया था क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस था, अब ब्रैकेट के पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो -3 ही लिखा जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम चीज आ गया, इसका मतलब अभी तक जो किया है वो सही है, तो इसको लिख लेते हैं 2x-3, ठीक ना, इन दोनों के स्थान पर एक बार, और इन दोनों को अगले कोष्टक में लिख लेते हैं 3x+1। ये हो गया गुणनखंड हो गया। अब यही यदि और तो कर लेते हैं, यदि 2x-3=0 या 3x+1=0, तो इसको हल करते हैं। देखिए 2x=-3 है, पक्षांतर होगा तो +3, ठीक ना, x बराबर गुणे में है भाग में हो गया। इसी प्रकार 3x=+ है तो -1, x बराबर -1/3, अतः शून्य क्या प्राप्त हुआ, अतः शून्य 3/2 और -1/3 हो गया, ठीक ना। अब इसका इनके शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच किया जाए। तो लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योग करते हैं, जो हमको प्राप्त हुआ है वो योग कर लेते हैं। 3/2+-1/3 तो गुणा करेंगे तो देखिए हल करते हैं, तो 3 3 9 -2 1 2 3 2 6, ठीक ना। लघुत्तम ऐसे भी लेते हैं जब अभाज्य संख्याएं हों, ठीक ना, कोई भी उभयनिष्ठ ना मिले, 2 और 3 में कोई उभयनिष्ठ चीज नहीं है, तो इनका सीधे ऐसे करते हैं 3 3 9 2 1 2 और 2 3 6, तो 9 में 2 गया 7/6, ठीक। अब यहाँ जह छोड़ के यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो लिखते हैं x के में है तो लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब फॉर्मूला अब इसमें मान रखते हैं, ये माइनस है और x का गुणांक क्या है, -7, और x स्क्वायर गुणांक क्या है, 6। तो देखिए 2 माइनस है, खुलेगा तो प्लस जाएगा, तो 7/6, तो 7/6 तो संबंध सही है ये। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो गुणनफल कर लेते हैं 3/2 - 1/3, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए -3/6, इसको सरल भी कर सकते हैं। तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद इसमें क्या है, -3/x² - 6, ठीक ना। देखिए -3/6 - 3/6, इसको सरल करेंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये 3 प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।